तो दिक्कत यही चीज है ना, तो यही पुलिस है। मैं आपको दो चार वही चीजें बताऊंगा। आपने फिल्मों में पुलिस को देखा है ना कैसी है, पुलिस की छवि ऐसी बनाई गई है कि पुलिस वाला पैसा लेता है। ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, मैं सच कह रहा हूँ, लेते हैं। मैं लेता हूँ, ये लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, जब से मैं थाने में आया हूँ, ये गवाह बैठे दोनों, सिर्फ इस थाने का पानी पीता हूँ और कुछ नहीं। अगर मुझे पता लग जाए नारियल पानी भी वैसे आया है तो पीता नहीं। कल सुबह कहीं ड्यूटी थी, सुबह से 1-2 बज गए थे, ना पानी पिया ना कुछ पिया, लेकिन कुछ नहीं खाया। लेकिन ये तसल्ली थी, चाहे अंदर नहीं गया लेकिन यहाँ सकूँ। हम थोड़ी थोड़ी चीज में फिसलते हैं, जा भाई चले जाना भाई। और हमारे लिए करप्शन का लेवल भी अलग है। आप भी करप्ट, आप सब करप्ट हो, मैं भी करप्ट हूँ, लेकिन किसी और के लिए। आप अगर नकल मार कर पास हो रहे हो तो कहाँ से ईमानदार। आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हो और षड्यंत्र रच रहे हो किसी की दोस्ती तोड़वाने के लिए, तो काहे के ईमानदार। तो भाई मानी तो सब नहीं है, अपने को ही साफ करना। लेकिन भारत में दिक्कत क्या है कि हम दूसरे को साफ करने लगे। हम बस में बैठकर खड़े हुए व्यक्ति के लिए कमेंट पास करके जाते हैं, ढंग से ड्यूटी नहीं करते, और वो नीचे बैठा हुआ बस वाले को कह रहे हैं। तो हम सब एक दूसरे को ठीक करने के चक्कर में लगे। बाकी पुलिस की बात रही, क्राइम एक गटर है और गटर में घुसने के लिए थोड़ा सा गंदा होना पड़ता है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक चोर पकड़ के लाए, किसी ने बोला, मैं नाइवा सब इंस्पेक्टर, कि इससे उगलवाओ। मैंने पूछा, आपने चोरी की है? वो कहता नहीं। मैंने कहा ये तो मना कर रहा है। कह रहा ऐसे नहीं, वैसे पूछो, सख्ती से पूछो। मैंने बोला मैं आपसे सख्ती से पूछ रहा हूँ कि आपने चोरी की है? कहता नहीं। मैंने कहा सख्ती से। कह रहा नहीं, डंडा दिखा के। मैंने डंडा लाया, ये देख रहे हैं आप, आपने डंडा देख लिया? कह रहा हाँ। आपने चोरी की है? कहता नहीं। और वो इरिटेट हो गया, कह रहा मैं आपकी शिकायत करूँ? ठीक है, आपके हिसाब से उसकी पिटाई होनी चाहिए? सच बताना, प्रूफ मिलने तक। जब प्रूफ ही मिल गया फिर क्या पिटाई करनी, फिर तो पता ही लग गया चोर है। ह्यूमन राइट्स कहता है, ठीक है ना, पर ये ह्यूमन राइट्स ही कई जगह हमें स्पॉइल कर। हमारे माँ ने मारा, पिता ने मारा हमें, तो पिटाई करी, तभी हम यहाँ खड़े। टीचर डांटते हैं, बुरा लगता है ना। अगर हम ना पिटते तो मेरे को तो हथकड़ी लेके जा रहे होते, ऐसा नहीं चलता मेरा। तो हर जगह रूल नहीं होना चाहिए, हर जगह रूल नहीं होना चाहिए। और हर जगह जो दिमाग में हमने जो पढ़ लिया ना, हमें ये भी पता होना चाहिए कहाँ अप्लाई करना। जैसे आपके पिताजी, सिगरेट पीना बुरी चीज़ है, आपके पिताजी घर में पी रहे हैं, आप उनके मुँह पे जाके कहेंगे आप गलत है, आप सिगरेट पीते हैं? नहीं, आपके तरीका बहुत अच्छी बात है, आपने बोला, उन्होंने छोड़ दी, नहीं छोड़ी ना। तो असूल ऐसा किस काम का जो आपने तो कह दिया लेकिन छूटे ना। छुड़वाने का तरीका अपनाना चाहिए, तब कहेंगे कि बेटे ने बाप की सिगरेट छुड़वा दी, आपने तो सच बता दिया। तो ये दुनिया में जितने भी झगड़े हो रहे हैं ना, सब